वो विटामिन कैसे देते हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक कमेंट था, कई बार वो उसने कमेंट किया था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ी, हाय हेलो केमचो और बाकियों को मेरी यो, मैं हूँ अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो एक कमेंट में कई दिनों से पूछ रहा था एक बंदा कि मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक कबूतरों को कैसे देते हैं। तो इसमें कुछ खास प्रोसेस नहीं है, आज मैं देने जा रहा था लीवर टॉनिक तो मैंने सोचा लाओ बना दूँ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ लीवोफ्लाई। इससे पहले मैं एक होम्योपैथिक का आता था, लीविट या ऐसे कुछ करके, मुझे कोई एक सेकंड नाम याद नहीं आ रहा, हाँ लीविट था, ये मैं यूज़ कर रहा था। और फर्स्ट टाइम मैं लीवोफ्लाई यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि बटरफ्लाई का मैं और भी प्रोडक्ट यूज़ करता था मतलब पर्सनली, तो इसलिए मैं इसको ले लिया। प्राइसिंग तो 140 है और शायद 200 ml हो का, हाँ 200 ml है। और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। वैसे रिजल्ट क्या, प्राइसिंग 140 है और ऑनलाइन प्राइसिंग और काफ़ी कम होता है, वो उस दिन के ऑफर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। मैं जिस दिन मंगाया था ऐसे तो ये 100 के आसपास मिलता है, 100 के ऊपर ही मिलता है, बट मैं जिस दिन मंगाया था उस दिन 50% डिस्काउंट चल रहा था। तो खैर डिस्काउंटेड तो अलग अलग दिन अलग अलग रहते हैं, तो उसके भरोसे ना रहे कि 50% कब होगा। तो मैं और भी प्रोडक्ट मंगा रहा था तो मुझे ये दिख गया तो मैंने मंगा लिया। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं एक एक ढक्कन सब में डाल दूंगा। अंदाज से मेरे को समझ में आ रहा है कि ये ढक्कन 4 से 5 ml के बीच में होगा और पानी काफ़ी है, करीब 6 से 12 कबूतर हैं हर केज में, उसी हिसाब से दे देंगे। नॉर्मली हम जो तो 10 कबूतर पे एक ढक्कन का एवरेज लेके चलते हैं, तो किसी में केज में कम है कबूतर तो थोड़ा सा घटा देंगे, बाकी जिसके पास जो हो उस हिसाब से डोज घटा बढ़ा ले। क्योंकि ये मैंने ज़्यादातर आयुर्वेदिक वाला ही यूज़ करता हूँ, तो इसमें क्या है ज़्यादा मतलब नुकसान का वो चांसेस कम रहते हैं, असर अगर नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो बस ज़्यादा नहीं, एक एक ढक्कन या एक ढक्कन से थोड़ा कम में सबको डालेंगे, क्योंकि हर केज में अलग अलग क्वांटिटी है कबूतरों की, किसी में 12, किसी में 6, किसी में 8 ऐसे हैं, किसी में 4 ही है इसमें। तो आधा आधा मैंने पानी लिया है फिलहाल, क्योंकि अभी सुबह खिला चुके हैं तो फिर पिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तो पानी खींचेंगे और डोज अपना बराबर चला जाएगा, उसके बाद बाकी पानी भर के छोड़ देते हैं हम कि ताकि दिन भर इनका पानी चले, शाम को बाकी जो घटता है उसमें और पानी डाल देते हैं। और काफ़ी सारे बास्केट भी लगाने हैं तो आज वो भी काम करना है, क्योंकि बास्केट पर थोड़ा सा काम चालू है, देख सकते हो कि इनको यही अंडे पर बैठे हुए हैं और कई सारे अंडे दे दिए हैं या कई देने वाले भी हैं, तो इसलिए हम बास्केट लगाएंगे। देख सकते हो कि काफ़ी बास्केट मंगा लिया है और बास्केट में मुझे रिजल्ट थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, बट एक बास्केट के भरोसे नहीं रहना है, दो बास्केट मैंने दो साइज़ के दो अलग अलग शेप के मंगाए हैं, वो बताएंगे क्यों बाद में, थोड़ा सा हम और कर लें। और हाँ, एक बंदे ने पूछा था कि यार छत पे जो ईंट मंगाई है उसका कुछ बना कि नहीं, तो दिखा देते हैं कि छत पे भी क्या हाल है, आइए ऊपर चलते हैं दिखाते हैं। तो देखो यही हाल है छत का फिलहाल, सारी ईंट छत पे पहुंच चुकी है और अभी थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है और ज़्यादा किसी से मिलना जुलना ना हम कर रहे हैं और ना किसी को अपने आप बुला रहे हैं, तो इस वजह से अभी हम कुछ बनवा भी नहीं रहे, थोड़ा सा ये सब डिजीज़ ख़त्म हो जाए तभी बनवाएंगे, उसके बाद फिर बारिश का अभी मौसम चल रहा है थोड़ा सा वो भी है,
और देखा जाएगा पहले लॉफ्ट बनाए या फिर लॉफ्ट के ऊपर की जाल वो उस टाइम मूड के ऊपर है या फिर उस टाइम जो ठीक लगे जो आसान पड़े वो। तो अभी फ़िलहाल यही है, सारे ईंट पड़े हुए हैं और कमेंट में भी काफ़ी सारे हैं और ख़ास तौर से कुछ न्यू कमर्स जो होते हैं वो चाहे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे जो तो मैसेज करते हैं कि यार मेरे कबूतर अंडे नहीं दिए तो मेरे कबूतर बच्चे नहीं दिए, तो न्यू कमर्स पे एक अलग पूरी वीडियोस डिटेल के साथ बना देंगे। और सोच रहा हूँ Q&A भी कर दूँ, काफ़ी सारे सवाल है, कभी बहुत सारे जवाब ऐसे होते हैं ना कि जो तो उन्हें मतलब लिख के नहीं बता पाते, बोल के या फिर दिखा के ज़्यादा आसान पड़ता है। तो वही सोच रहा हूँ कि Q&A रख दूँ। और Q&A रखने के बाद एक दिन का टाइम दूंगा, उसके नेक्स्ट डे अपना वीडियो बनाऊंगा और फिर चाहे उसी दिन चाहे उसके नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे सारे सवालों के जवाब। तो फिलहाल यही सब चल रहा है अभी, और ज़्यादा कुछ खास कोई नया या फिर नया कोई अलग चीज़ है नहीं, इसलिए भी वीडियो भी कम बन रही है। और तो हम एक एक ढक्कन के करीब सब में डालेंगे और इसी में थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि शायद कबूतर उसमें कम है, मुझे पता है कौन सा इसमें रखना है। तो जिसने कमेंट किया था मैं उसको यही कहूँगा कि ज़्यादा कोई खास प्रोसेस नहीं है, बस पानी में दे दिया चाहे ओरली दे दिया, अगर एक दो कबूतर हैं तो बेकार में इतना पानी बनाओगे और डोज बेकार जाएगा, यानी कि मेडिसिन बेकार जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि अगर दो चार कबूतर हों तो उन्हें एक एक दो दो ड्रॉप तीन ड्रॉप के ओरली पिला दें, चाहे दो चार ml 5 ml पानी में मिला के सीरिंज से पिला दें या ऐसे ही ड्रॉपर से अगर पिलाते बने, क्योंकि एक बूंद भी बेकार जाएगा तो पूरा डोज बेकार जाएगा, तो बेहतर है कि 4-5 ml पानी में उन्हें ले लें और सीरिंज से पिला दें। और रही बात विटामिन की तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ, विटामिन भी ऐसे ही देता हूँ मैं, मल्टीविटामिन में आप चाहे A to Z यूज़ कर सकते हैं या फिर जानवरों की जो वाइमराल आती है वो यूज़ कर सकते हैं, इंसानों की जैसे मेडिसिन आती है A to Z है और भी कई सारी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे कोई भी यूज़ करो, बस ये ध्यान दो अगर कबूतर ज़्यादा हैं तो ओरली कितना पकड़ पकड़ के पिलाओगे, बेहतर है कि डोज बना के दे दो, पानी इतना रखो कि जितना लगभग सभी कबूतर पी लें और कम से कम पानी बचे ताकि मेडिसिन कम बर्बाद हो। और मैं तो विटामिन सॉरी बी कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूँ फिलहाल। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मल्टी विटामिन यूज करना चाहें मल्टी विटामिन यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टी विटामिन यूज करें तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए हम पहले डोज लगा देते हैं इन लोगों को, उसके बाद दिखाते हैं। तो देख सकते हो कि सभी पी रहे हैं मजे से, हाँ पानी थोड़ा कम रखा है तो इसलिए थोड़ा सा पीने में वो हिचक रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा गहरा है, जानबूझ के इसलिए कम पानी में बनाया हो ना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोज जाए, और उसके बाद जब पी लेंगे जब यहाँ से जाने लगेंगे तो पूरा भर के जाएंगे ताकि दिन भर उनका चल जाए, उन्हें धूप में प्यास ना लगे, दिन भर वो प्यासे ना रहे। तो आइए अपना थोड़ा सा बाकी टूर भी कराते हैं, ये केज मेरा पूरा खाली है,
इसमें कबूतर उधर छोड़ दिया और बजीज जो थी एक तो भाग गई, एक जो मर गई। फिलहाल इसमें दो फिंचेस बची हुई हैं, स्टार फिंचेस रेड। सारे कबूतर अभी इस टाइम बैठे हुए हैं क्योंकि इस टाइम इनके दाना पानी का टाइम नहीं हुआ है। इन पे भी एक एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं। जैसे मैं पहले यही सोचता था कि लोग एक टाइम कैसे दाने देते हैं, बट इनको मैं सिर्फ एक टाइम दाने दे रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि जितना ये खाते थे दिन भर में सुबह और शाम मिला के, उससे ज़्यादा दाने ये एक टाइम में खा रहे हैं। पहले मैं ये सोचा कि ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा खाते होंगे, बट सुबह और शाम का जितना खाते थे वो एक टाइम में खा ही रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा खा रहे हैं। और फिर मैंने ये भी देखा कि नेक्स्ट डे सुबह के टाइम इनका पोटा भी चेक किया तो दाने थे। तो एक चीज़ ये समझ में आई कि कबूतर को एक टाइम खिलाओ या दो टाइम खिलाओ, कबूतर जब उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं तो उनकी खुराक की उतनी हो जाती है ताकि वो अगला टाइम कवर कर लें। पहले मैं यही सोचता था यार कैसे लोग रखते हैं, एक टाइम देते हैं और एक टाइम नहीं देते हैं, बट देखो इस टाइम सुबह का टाइम है, कबूतर फड़फड़ा नहीं रहे एक ज़रा सा भी नहीं। वरना और शाम के टाइम जब मैं आऊँगा ना तो पूरे के पूरे जो तो चिपक जाते हैं जाल पे आके। इस टाइम सबके पेट में दाने हैं इसलिए फड़फड़ा नहीं रहे। शाम के टाइम इस टाइम सिर्फ पानी बदल के मैं चला जाता हूँ, शाम के टाइम मस्त तो दाने ये खाते हैं और दिन भर पड़े रहते हैं। तो यही था इतने दिनों का टूर। और हाँ एक चीज़ और, कईयों ने पूछा था रैबिट कहाँ है, रैबिट बच्चे दिए या नहीं, तो रैबिट का भी वही मसला था। बिल्ली की वजह से रैबिट मैंने दे दिया वापस और उसके यहाँ शायद अभी कुछ दिनों में बच्चे दे देगी या देने वाली है, और जब बच्चे दे देगी तो मैं दिखाऊंगा उसे फिर से मंगा के। वैसे रखना नहीं है मुझे क्योंकि बिल्ली का काफ़ी दिक्कत चल रहा है। वो हुआ क्या कि बिल्ली जो तो अक्सर परेशान कर रही है, और इसमें यह है ना कि जैसे रैबिट आप केज में रख सकते हैं नहीं, खुला रहता है तो ज़्यादा बेटर दिखता है। और एक दो बार ऐसा हुआ कि मतलब बिल्ली जो तो ज़रा सा अगर चूकते तो बिल्ली पे हमला कर सकती थी। अब वो ले तो नहीं जाएगी बट कुछ ना कुछ तो वो कर सकती है, घायल कर सकती है, मर सकता है, जो भी कुछ भी कर सकती है। मतलब वो होने के बाद ही समझ में आता कि क्या कर सकती थी, तो इसलिए फिर दे दिया गया। वहाँ रहता है घर में, यहाँ क्या है फिर ज़रा से चूको नहीं बिल्ली आ जाती है, कभी नीचे से कभी बगल के छत से छलांग मार के अपने छत पे। तो सिर्फ एक नीचे से होता तो मेन गेट बंद कर दिया जाता, हो जाता, बट अगल बगल से भी वो छलांग मार के आ जाती है, इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।